नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं आज प्रयागराज में आयोजित हुए कुंभ मेले का समापन भी होना है। कुंभ में आज ही आखिरी शाही स्नान भी होगा। हिंदू धर्म में भगवान शिव शंकर पर लोगों की बहुत आस्था है, इसलिए देवों के देव महादेव को खुश करने वाला आस्था से परिपूर्ण महाशिवरात्रि का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ करेंगे और 6 किलोमीटर लंबी अहमदाबाद मेट्रो सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने दावा किया है कि वायुसेना की एयर स्ट्राइक में 250 से अधिक आतंकवादी मारे गए। अमित शाह के इस बयान पर अब राजनीति तेज होती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या अमित शाह को सेना के बयान पर भरोसा नहीं है। आतंक को शह देने वाले पाकिस्तान को भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन में भी भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक शिकस्त दी है। पाकिस्तान दुनिया को ये बताकर भले ही खुश हो रहा हो कि उसने जम्मू कश्मीर पर OIC में अलग से प्रस्ताव पास करवा लिया है, लेकिन पाकिस्तान इस प्रस्ताव को अबुधाबी से जारी किए जाने वाले अंतिम संयुक्त विज्ञप्ति में शामिल नहीं करा सका है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को देश के कोने कोने में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। प्रदेश सरकारों ने भी शहीदों के परिजनों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की। सरकार के अलावा कई निजी संस्थान भी उनकी मदद के लिए आगे आए। गुजरात के भरूच में भी शहीदों के लिए एक चैरिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संगीत का आयोजन किया गया था, गायक बुलाए गए थे। इस दौरान लोगों ने गायक पर जमकर पैसे बरसाए। इस कार्यक्रम का नाम एक शाम शहीदों के नाम दिया गया। नागालैंड के लोंगलेंग जिले के योंगलोक गांव में अवैध कोयले की खान में भूस्खलन से 4 खनिकों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को बताया कि हादसा शनिवार को उस समय हुआ जब पीड़ित अपना सामान लेने खान में गए थे। सभी असम के रहने वाले थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि देश में मूत्र से यूरिया निर्माण होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें उर्वरक आयात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि मैंने हवाई अड्डों पर मूत्र को एकत्र करने को कहा है, हम यूरिया आयात करते हैं। जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन के प्रमुख मसूद अजहर की पाकिस्तान में मौत के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बारे में खुफिया एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है कि अजहर का सेना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इदलिब प्रांत के पास अलकायदा से जुड़े एक सीरियाई जिहादी समूह के हमले में रविवार को शासन और उससे संबंधित सुरक्षा बलों के 33 सैनिक मारे गए। एक निगरानी संस्था ने यह जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ये मिस्ट्री के साथ। नमस्कार।